यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को कल आप लोगों को क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे तो काफी लोगों को कन्फ्यूजन रही, तो ये टॉपिक हम डिटेल में कर लेते हैं। और वैसे तो सभी टीचिंग एग्जाम्स में इंटेलिजेंस काम का है और ये सेशन बिल्कुल प्योर काम का है, नहीं तो इंटेलिजेंस थियरीज तो बहुत सारी हैं, बट जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरीज हैं जैसे कि इंटेलिजेंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ उनको समझेंगे, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो बेल कर्व जिसको हम कहते हैं उसको समझेंगे, इसके अलावा रेंजोली और जो कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्वेश्चन आ जाते हैं उनको समझेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे और ऑलमोस्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3-4-5 थियरीज हैं उनको भी करेंगे। यूनिफैक्टर थियरी बिने की मल्टीपल इंटेलिजेंस जो गार्डनर का है, कल आप लोगों को कन्फ्यूजन थी एक क्वेश्चन में, मतलब कंप्लीट एक ऐसा सेशन होगा ये जिसमें इंटेलिजेंस के 2 से 3 नंबर आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि फैक्चुअल होता है थोड़ा सा, ये टॉपिक फैक्चुअल ज्यादा है। तो एक बार स्टार्ट करते हैं, समझेंगे थोड़ा तसल्ली से। आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, इसके नोट्स आप अपने हाथ से बनाएं ऐसा मैं क्या करूंगी, रिकमेंड करूंगी, क्योंकि थियरीज के नोट्स आप अपने हाथ से बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पहले देख लो फिर नोट्स बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। वैसे आपको सभी टीचिंग एग्जाम में ये चीज हेल्प करेगी, बट अगर मैं बात करूं सीटेट की तो सीधे सीधे दो नंबर है, है ना? खैर आप लोग आ ही गए हैं, वेलकम है भाई सभी का। सेशन थोड़ा सा लेट है, मैं आज थोड़ा सा निकल गई थी कहीं और, ठीक है थोड़ा बहुत तो मैनेज करना ही पड़ेगा। देखो जब तक बहुत सारी चीजें मैनेज करने में कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। खैर इंपॉर्टेंट ये है कि आप रिकॉर्डेड देखें, लाइव देखें, मतलब आपको डेली कुछ ना कुछ यहां से मिले जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। स्टार्ट करते हैं, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे, मैंने 5 फ्रेंड्स को शेयर कर दिया। दीनू पाटिल कह रहे हैं, बहुत बढ़िया दीनू, बहुत अच्छा लगा सुनकर के। दी एक्सपर्ट इन एवरीथिंग वॉज वंस अ बिगिनर, बिल्कुल डिम्पल। और जिन लोगों को ये लग रहा है होप नहीं है, एग्जाम आराम से क्लियर हो सकता है, अभी से पढ़ाई सीरियस होकर के करो, कोई बात नहीं। निकिता देखो कुछ दिन मैनेज करना होता है, बाकी मैं कोशिश करूंगी इसको 9:30 से थोड़ा और पहले ही शिफ्ट कर लेंगे सेशन को, आज और मैनेज करो, है ना, कल तो कुछ इशू था ही। स्टार्ट करते हैं, हमेशा शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, बिल्कुल सही बात है, और बिल्कुल सही बात है आकाश त्यागी। चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा पेशेंस से समझिएगा चीजों को, और जिनकी सच में इच्छा हो सीखने की वही रुकिएगा, क्योंकि अब यूट्यूब पे हालत यह है, हालांकि मैं जितना पेडागॉजी मैंने डिटेल में कराया है शायद ही किसी ने कराया हो टीचिंग एग्जाम में, तो कि आप पेशेंस के साथ पूरा सेशन देख पाएं और समझ पाएं उसको, ठीक, थोड़ा सा बड़ा होगा सेशन। स्टार्ट करेंगे, सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं PDF, जनरली जो भी काम की PDF होती हैं आपको लेट्स लर्न स्क्वाड पे मिल जाती हैं। ये चैप्टर है इसकी PDF, क्या ही दूंगी मैं, नोट्स आप बना लीजिएगा, हुआ तो दे भी दूंगी, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, शायद पहले शेयर भी की हो। देखो एक बार, देखिए ये आपके सामने एक कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज इंटेलिजेंस से हम शुरू करेंगे, समझेंगे इंटेलिजेंस क्या है, कहाँ से आया ये वर्ड, IQ का कॉन्सेप्ट किसने दिया, फॉर्मूला किसने दिया, ये सारी चीज़ें रिवाइज करेंगे। IQ टेबल पे बात करेंगे कि कौन से IQ वाला किस एक कैटेगरी में आता है। फिर उसके बाद हम बेल कर्व पे बात करेंगे, इसको NPC कहते हैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, जिससे एक आध क्वेश्चन यदि वैसे तो सीटेट में एक बार आया हुआ है, अगर दिमाग घूम जाए एग्जामिनर का और बहुत ही मुश्किल पेपर बनाने की इच्छा हो तब जाकर ये इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, नहीं तो जनरली नहीं आता। लेकिन केंद्रीय विद्यालय, DET+B, इन सबको ये पता होना चाहिए, ठीक है बात। इसके बाद हम एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जो पूछ लिया जाता है जनरली, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको समझेंगे। इसको देख करके कई लोग घबराते हैं, बहुत आसान तरीके से समझेंगे। फिर ये कुछ क्वेश्चंस हैं इस कॉन्सेप्ट से जो हम रिलेटेड इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूनिफैक्टर थियरी जिसको अल्फ्रेड बिने ने दिया था। फिर उसके बाद हम बस वही थियरीज हैं जो काम की हैं आपके एग्जाम की, नहीं तो इंटेलिजेंस में बहुत सारी थियरीज हैं, अगर सारी थियरीज करने बैठ जाएंगे तो दुखी हो जाओगे। 2-फैक्टर थियरी स्पीयरमैन ने दी है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा ये आपका स्टर्नबर्ग की ट्रायआर्किक थ्योरी में कुछ लोगों को समस्या रहती है, यहां से क्वेश्चन आता है, इसको डिस्कस करेंगे। मतलब आप कह सकते हो ये मैराथन सेशन हो सकता है 2 घंटे में खत्म हो सकता है 1.5 में हो जाए, किसी को नहीं पता, क्योंकि क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है विद कॉन्सेप्ट, ठीक है बात। मल्टीपल इंटेलिजेंसेस ये सबसे लास्ट में आएगा और ये सबसे बड़ा भी है, इसमें जिन लोगों को कन्फ्यूजन थी, हो सकता है ये मुझे अलग से भी कराना पड़ जाए, अगर ज्यादा लंबा समय लगा तो इसको मैं अलग से भी करा सकती हूँ। इसको पूरा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग समझेंगे, सिर्फ 8 प्रकार नहीं समझेंगे, इसके क्रिटिकल एनालिसिस क्या है, इसके क्रिटिक्स क्या हैं, और कल जिन क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज थे, 2 क्वेश्चन में मुझे आप लोगों से फीडबैक मिला है, वो दोनों क्वेश्चंस भी मैं लास्ट में करा दूंगी, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन थे आपके 35 में, आप लोग कन्फ्यूज थे कि इसमें कौन सा होगा, और ये आपका 33,
तो इन दोनों को भी करा दूंगी। तो ये कहानी है, अब जिनमें इतना कुछ देखने का पेशेंस हो वो देखेंगे सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। सीरियसली अगर आप सीखने के लिए आए तब ही देखें। क्वेश्चंस भी इसमें आपके काफी प्रैक्टिस हो जाएंगे, तो कह सकते हैं 3-4 नंबर का जुगाड़ आपका हो जाएगा। यदि आप इवन 3-4 नंबर भी छोड़िए, अगर सी टेट में 2 का आए या कहीं भी ज्यादा का भी आए, जहां 100 नंबर का पेपर है, 40 नंबर का पेपर है, वहां 4 नंबर में भी आए अगर, तो भी आप इस एक सेशन से तैयार हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग और डिस्कशन भी। तो बुद्धि कॉन्सेप्ट, आप बुद्धि से आप क्या समझते हैं बताइए, क्या समझते हैं आप बुद्धि से? हाँ, कल वाले 2 क्वेश्चंस का डाउट सॉल्व करा दूंगी। टेंशन क्यों लेते हो, क्यों टेंशन लेते हो हैं? और अभी बाकी सब्जेक्ट भी शुरू करने हैं, ये सब मैं करा चुकी हूँ चैप्टर वाइज बार बार, और अभी प्रैक्टिस का टाइम ज्यादा है आपका, ठीक। मेमोरी, इमेजिनेशन, पर्सनैलिटी, ये सब बिल्कुल काम के नहीं है आपके सीटेट में, तो ये फालतू चैप्टर्स मत पढ़िए सीटेट के लिए। ना पर्सनैलिटी आएगा, ना मेमोरी आएगा, ना आपने और जो 2-3 चैप्टर के नाम लिए हैं, थिंकिंग, फॉरगेटिंग, ये नहीं आता। थिंकिंग तो आता है थोड़ा सा, तो ये अलग एग्जाम्स के लिए है, कभी कर लेंगे डिस्कस। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें तो दुनिया में अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से इंटेलिजेंस को देखा जाता है। सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने बुद्धि पर काम किया, बुद्धि की बात की, वो थे सर फ्रांसिस गाल्टन, जिन्होंने कहा कि सेलेक्टेड रिप्रोडक्शन, मतलब कि डिजायरेबल ट्रेट्स जिनमें हैं उन्हीं लोगों को आगे जनरेशन को बढ़ाना चाहिए, नहीं तो नहीं, ठीक। सर फ्रांसिस गाल्टन ने सबसे पहले काम किया इंटेलिजेंस पे, सर फ्रांसिस गाल्टन कह लीजिए आप। यूपीटेट में पूछा भी गया था कि फादर ऑफ यूजेनिक्स किसको कहा जाता है। यूजेनिक्स में क्या होता है, डिजायरेबल ट्रेट्स चुनने हैं आपको एक व्यक्ति के, यूजेनिक्स, फादर ऑफ यूजेनिक्स, इन्हीं को कहा जाता है सर फ्रांसिस गाल्टन को। इन्होंने बुद्धि पे सबसे पहले काम किया, बात की, ठीक। बिल्कुल, जिनमें डिजायरेबल ट्रेट्स हैं, जिनमें अच्छे अच्छे ट्रेट्स हैं, उन्हीं लोगों को क्या करना चाहिए, आगे जनरेशन को प्लान करना चाहिए, नहीं तो नहीं। तो इनकी थोड़ी सी कहानी अलग थी, उस पे अभी के लिए तो नहीं जाएंगे। अब आ जाते हैं यहां कि बुद्धि है क्या। देखो, बुद्धि, कोई कहेगा कि जो मैथ्स में अच्छा है वो बुद्धिमान है, कोई कहेगा जो अडेप्ट कर लेता है चीजों को वो बुद्धिमान है। अलग अलग लोग अलग अलग बातें बुद्धि के बारे में करते हैं, ठीक। हो गई बात, कोई समस्या परेशानी, ठीक, क्लियर है यहां से? तो आपके एंड पे मुझे लगता है कि कुछ थोड़ा सा इशू होगा, यहां से बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, ठीक है गजेंद्र जी। समायोजन की क्षमता 1885 में, जी बुद्धि शब्द का प्रयोग बिल्कुल गाल्टन ने किया। बफरिंग यहां से कुछ नहीं है जी। स्वाति, देर आना इंपॉर्टेंट नहीं है, दुरुस्त आना इंपॉर्टेंट है ना, काम की चीजें होती हैं यहां पे, भीड़ नहीं है, सेशंस कम हो, क्वालिटी है। देखिए एक बार, इट इज द एबिलिटी टू एडजस्ट विद द एनवायरमेंट, एबिलिटी टू लर्न एंड एबिलिटी टू कैरी आउट एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। मतलब अगर हम एक जनरल डेफिनेशन देखें जिसको ऑलमोस्ट सभी मान लेंगे, क्योंकि इस पर भी डिस्प्यूट है, बहुत सारे लोग एक डेफिनेशन को मानेंगे, किसी और ने कोई और डेफिनेशन दी है, किसी और ने कोई और डेफिनेशन दी है, तो कोई एक सहमति के साथ डेफिनेशन नहीं है, बट जनरल डेफिनेशन जो है, हम कह सकते हैं कि बुद्धि क्या है, एक ऐसी क्षमता है जिसके माध्यम से आप अपने एनवायरमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं आप जिस भी जगह पर हैं, और सीखने की क्षमता जो है आपके अंदर, जो एबिलिटी टू लर्न है, और रीजनिंग, तर्क करने की क्षमता, तो हम कह सकते हैं आपकी एनवायरमेंट में एडजस्ट करने की क्षमता, अडेप्ट करने की क्षमता चेंज के प्रति, है ना, रीजन करने की क्षमता, रीजन, रीजनिंग की क्षमता, एब्स्ट्रैक्ट, वो भी अमूर्त चीजें जो आपके सामने नहीं है उन पर भी आप सोच पाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता आप कह सकते हो, है ना, सीखने की क्षमता आपकी, ये सब भाई सीखोगे किससे, बुद्धि से, एबिलिटी टू लर्न, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं बुद्धि के, ये बुद्धि की विशेषताएं हो सकती हैं कि आप अपने एनवायरमेंट में अडेप्ट कर पा रहे हो, इंटेलिजेंट हो, एडजस्ट कर पा रहे हो, इंटेलिजेंट हो, सीखने की क्षमता है, इंटेलिजेंट हो, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हो, इंटेलिजेंस का एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक विशेषता है ना, तर्क करने की आपके अंदर क्षमता है, अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, इंटेलिजेंट हो, ठीक हो गई बात। तो यह पर्यावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता, सीखने की क्षमता, और अमूर्त चिंतन को कैरी आउट करने की क्षमता, सोच सकने की क्षमता, हिंदी में ट्रांसलेशन थोड़ा सा खराब है बट बात को समझ लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। अब अगर ये बात करें वर्ड आया कहां से, तो ये वर्ड आया लैटिन भाषा के एक शब्द इंटेलिजियर या इंटेलिजेंशिया से। वर्ड क्या है, इंटेलिजियर या इंटेलिजेंशिया से, जिसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, यानी समझना। तो हम कह सकते हैं बुद्धि का कहीं ना कहीं मतलब चीजों को समझने से है ना,
सिचुएशंस को समझने से है। तो इंटेलिजियर या इंटेलिजेंशिया से ये वर्ड आया जिसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। ठीक है बात, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। जी इंदु अमरेश जी बिल्कुल सही बात है आपकी, कुछ लोगों को समस्या है लेकिन देखने डेली आते हैं, फिर भी बुराई कहने आएंगे लेकिन आएंगे जरूर। खैर समझते रहो, समझते रहो, फटाफट से आगे बढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं इंटेलिजेंस कोशेंट, देखो बुद्धि का कॉन्सेप्ट आया, अलग अलग चीजों को बुद्धिमानता कहा लोगों ने, बुद्धिमत्ता कहा। एक टाइम पे 1912 के आसपास आकर के बुद्धि को मेजर करना तो हमने शुरू कर दिया, मतलब कह सकते हैं हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में कि मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा करके हम निकाल पाए कि कितना आईक्यू है आपका, इंटेलिजेंस कोशेंट, बुद्धि लब्धि, स्तर कितना है आपके दिमाग का। ठीक, तो ये जो आईक्यू का कॉन्सेप्ट है ये 1912 में किसने, स्टर्न ने दिया, विलियम स्टर्न। विलियम स्टर्न नाम के व्यक्ति हैं, सीटेट में क्वेश्चन पूछा भी हुआ है और कहीं भी पूछ सकता है। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया किसका, आईक्यू का। ठीक, पता नहीं मतलब ये हिंदी वाला देख लेना यार, इसकी स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ होगी ही। ठीक, तो स्टर्न ने इस कॉन्सेप्ट को दिया, इस फॉर्मूले को पूरा रिवाइज किया 1916 में किसने, टर्मन ने, ये 100 लगा करके, ये 100 लगा करके। तो टर्मन और स्टर्न का नाम आएगा फॉर्मूले के संबंध में, लेकिन आईक्यू कॉन्सेप्ट किसने दिया, आप कहेंगे स्टर्न ने। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या है, मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज। मैंने आपको याद कराया हुआ है मैका, MACA, मैका, मैका, MACA, एम ए मतलब मानसिक आयु, जिस लेवल पे, जिस स्तर पे आपका दिमाग काम करता है, आपकी मानसिक क्षमताएं काम करती हैं, वो है आपकी मानसिक आयु। हो सकता है कोई बच्चा जिसकी वास्तविक आयु, क्रोनोलॉजिकल या कालानुक्रमिक एज कहते हैं वास्तविक आयु को, जितना टाइम आपको पृथ्वी पे हो गया हो, मतलब डेट ऑफ बर्थ से आप कितने साल के हैं, तो मान लीजिए कोई बच्चा है 10 साल का, लेकिन उसकी जो मानसिक आयु है, जो दिमाग उसका काम करता है, जो उसकी मानसिक क्षमताएं हैं, वो 12 साल के बच्चे के लेवल पे काम करती हैं। दैट मींस वो अपनी एज से ज्यादा क्षमता रखता है मानसिक रूप से, तो वो मेंटल एज उसकी ज्यादा है। तो ऐसे बच्चे का आईक्यू ऑब्वियसली ज्यादा आएगा, 100 से ज्यादा ही आएगा, क्योंकि 100 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम। ठीक, ये एक बात है, ये सिंपल बात हुई, आईक्यू का फॉर्मूला मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, मतलब मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा करेंगे 100 से। ठीक हो गई बात, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम समस्या है कुछ बताओ एक बार। क्रिएटिविटी संबंधित है, बुद्धि अगर आपके अंदर है तो आप क्रिएटिवली सोच पाएंगे एक तरीके से। अगर बुद्धि गायब है, ऐसा नहीं हो सकता ना कि बिल्कुल आप रिटार्डेड हैं और आप क्रिएटिव हैं, रिटार्डेड हैं कहना गलत होगा, बेसिकली दोनों को जोड़ना बेवजह गलतफहमी होगी, क्योंकि ऐसे एक्सेप्शंस हैं जहां पे इंटेलिजेंस लेवल कम भी है तब भी अच्छा किया है क्रिएटिविटी में। क्रिएटिविटी इज समथिंग कि आप नोवल सोच पाए, ओरिजिनल सोच पाए, कुछ अलग सोच पाए लीक से हट करके, दैट इज क्रिएटिविटी। ये फॉर्मूले की बात क्लियर हुई, दो चीजें हमें याद रखनी है फॉर्मूले से रिलेटेड। आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टर्न ने दिया, ये जो पूरा फॉर्मूला है जिसमें 100 की मल्टीप्लीकेशन है, इसको अपडेट किया टर्मन ने। ठीक, आगे बढ़ेंगे। और आईक्यू कॉन्सेप्ट आने से पहले भी इंटेलिजेंस टेस्ट था, 1904-5 में ही अल्फ्रेड बिने ले आए थे, तो आईक्यू बाद में आया, इंटेलिजेंस टेस्ट पहले आ गए थे। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि इंटेलिजेंस टेस्ट कैसे आ गए अगर आईक्यू नहीं था तो, क्योंकि पहले ये वाला फॉर्मूला ना यूज होके कुछ बेसिक क्वेश्चंस मानसिक आयु के कॉन्टेक्स्ट में यूज हो जाते थे, जिनके बेसिस पे इंटेलिजेंस टेस्ट में रिजल्ट आ जाता था, जरूरी नहीं था कि आईक्यू था। आईक्यू टेबल की यदि हम बात करें तो ये टर्मन की टेबल है, वैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने टेबल दी हुई है अपने अपने तरीके से, बट हम ये टर्मन की टेबल को फॉलो करें यदि, तो हम कह सकते हैं कि इस तरीके से आपने कुछ 10 कैटेगरी में विभाजित किया हुआ है, 10 कैटेगरीज में हमने विभाजित किया हुआ है बच्चों की एबिलिटी को, उनके आईक्यू को। ठीक, टर्मन के अकॉर्डिंग अभी हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की अलग अलग आईक्यू टेबल है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। आपको इसमें से सब कुछ याद नहीं रखना, आप इडियट का याद रख लें, यानी मूर्ख आप कहेंगे जिसका आईक्यू 0 से 24 है, मात्र 0 से 24। ठीक, मोरॉन का कभी कभी पूछ लेता है तो आपको पता हो 50 से 69, यानी 50 to 69। एक इंपॉर्टेंट चीज है बॉर्डरलाइन और डल, ये 70 to 79, ये एवरेज इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल और एवरेज 90 to 109। ठीक, नियर जीनियस और जीनियस, ये बच्चा जिसको आप गिफ्टेड कहेंगे उसका आईक्यू 140 एंड अबव होना चाहिए टर्मन के अकॉर्डिंग। और अगर मैं बात करूं यहां
कई बार क्या होता है ऑप्शन में 140 का ऑप्शन ही नहीं होता और आपसे गिफ्टेड पूछ लेगा, उस स्थिति में जो भी हाईएस्ट आईक्यू हो 120 प्लस भी है तब भी आप उसके साथ चले जाओगे, ठीक। क्योंकि कुछ जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट की टेबल्स हैं वो 120 प्लस को ही जीनियस बता देती हैं, गिफ्टेड बता देती हैं, ठीक है। टर्मन के अकॉर्डिंग पूछेगा, जनरली पूछेगा, तो आपको 140 से ऊपर जिसका आईक्यू है आप उसको जीनियस या गिफ्टेड कहेंगे, सुपीरियर कहेंगे 120 से 129 वाले को, ठीक। बॉर्डर लाइन पे कौन है, 70 से 89 वाला, बॉर्डर लाइन पे 70 से 79, 72, 79 वाला, ठीक। नॉर्मल और एवरेज पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं 92, 110 तक आप याद रख सकते हैं। अब आप कहेंगे इतनी चीजें याद कैसे रखें, तो हम बिल्कुल सिंपल सी बात करेंगे, 3 और 4 चीजें ही याद करनी है आपको, ज्यादा याद करनी ही नहीं है, लिख के मैं बता देती हूँ। ये कोल्ड मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा यार, देखो एक बार आईक्यू टेबल में यदि मैं याद रखने की बात करूं तो आपको 2-3 ही चीजें याद रखनी है, जैसे आपको पता होना चाहिए गिफ्टेड का, गिफ्टेड बच्चे का 140 प्लस या जो भी हाईएस्ट आपके टेबल में दिया हो क्वेश्चन में, क्योंकि 4 ऑप्शंस के अनुसार आप जाते हैं, अपनी मर्जी से नहीं जाते, ठीक। सुपीरियर अगर आपसे पूछ ले 120, ये भी याद रखने का मन ना कर रहा हो तो सीधा आप नॉर्मल और एवरेज याद रख सकते हैं। एवरेज बच्चा, औसत बच्चे जो ज्यादातर पाए जाते हैं दुनिया में, है ना, 50% से ज्यादा पॉपुलेशन एवरेज में ही आएगी, इनका आईक्यू है 90 से 109 या 90 से 110 भी आप याद रख सकते हो, ये आपको काम का है, ये आपको याद रखना है, ठीक। तीसरी एक चीज है डल और बॉर्डर लाइन, जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है, जिसको आप स्कूल में आराम से पढ़ा सकते हो, वो है 70 से 79, ठीक। एक आपको इडियट का याद रखना है, मोरॉन का याद रख सकते हो, 50 के अराउंड है इडियट का, 0 to 24, इसमें भी अगर आप ये ऊपर के 3 याद रख लेते हो इनफ है, मोर देन इनफ हो जाएगा, ठीक है बात। गार्डनर पे तो अभी आएंगे, गार्डनर पे तो अभी आएंगे, गर्म पानी तो यार मैं पिछले 15 दिन से पी रही हूं। देखो एक बार जियो फाइबर लगवाओ, बफरिंग हो रही है, लगवाएंगे यार दूसरे वाले नए ऑफिस में लगवाएंगे, पहले उससे पहले आपको पुराने जो एक ये छोटा सा स्टूडियो है इसका टूर देंगे, ठीक है। देखो एक बार, यहां तक की बात क्लियर है या नहीं? आईक्यू कॉन्सेप्ट स्टर्न ने दिया है, ये बात आप याद रख लेंगे, आईक्यू कॉन्सेप्ट टेबल नहीं, ये टेबल तो हम टर्मन की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी, कोई परेशानी है बताओ, नो परेशानी, आगे बढ़ जाएं। देखिए मोरॉन पूछ ले 50 से 50 to 69, कई एग्जाम्स में पूछ लेता है मोरॉन, वैसे सीटेट में कम ही आते हैं आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, बट फिर भी एक बात याद रखना, अगर 100 से ऊपर है आईक्यू तो बच्चा एवरेज है या बच्चा एवरेज से थोड़ा सा ऊपर ही है, क्योंकि 90 से 110 वाला एवरेज में है। अब ये आप नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व यानी एनपीसी कहते हैं इसको, बेल कर्व भी कह देते हैं कई लोग, बेल कर्व घंटी का जैसा इसकी शेप है इसलिए, और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, ठीक। इसको आप बुद्धि का वर्गीकरण कह लो आप इसको, या फिर बुद्धि का क्या कहोगे, जो भी कहना चाहो, मतलब बंटवारा कह लो हिंदी में, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट क्या इसकी, इसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज हुई है, और साइकोलॉजी में अगर आप इंग्लिश वाली टर्मिनोलॉजी याद रखेंगे तो ज्यादा खुश रहेंगे, क्योंकि आपको मल्टीपल चीजें याद नहीं रखनी पड़ेंगी, ठीक है बात। प्रॉब्लम है स्क्रीन में, यार एक मिनट रुको, पागल मत बनाया करो, पहले तो चेक कर लेने दो मुझे, कितना रोते हो ना, एक मिनट रुक जाओ बस, आवाज नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, 6400 लोग देख रहे हैं और सिर्फ 5100 ने लाइक किया है, मतलब लगभग 1300-1400 लोगों ने लाइक भी नहीं किया, ये देखो एकदम क्लियर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से, और ये क्वालिटी भी 1080p नहीं होगी, 360p पे दिख रहा है मुझे क्लियर, बहाने मत लगाया करो यार, देखना और इससे ज्यादा मक्खन क्या लोगे, मूवी देखने आए हो हैं। चलो देखो एक बार, अगर मैं बात करूं ये बेल कर्व क्यों बना, हम कह सकते हैं बहुत सारे लोगों का आईक्यू टेस्ट हुआ होगा, उसके आधार पे हमने क्लासिफाई कर दिया कि इतने परसेंट लोग इस कैटेगरी में आते हैं, इतने परसेंट लोग इस कैटेगरी में आते हैं, इतने परसेंट लोग इस कैटेगरी में आते हैं, मतलब कुछ लोग जो गिफ्टेड आईक्यू में आएंगे, कुछ जो बिल्कुल ये रिटार्डेड में हैं, है ना, यहां पर कुछ हैं जो जीनियस हैं, तो इस तरीके से पॉपुलेशन को डिवाइड करने के लिए एक क्लासिफिकेशन कर दिया, जिसमें आप देख सकते हैं कितने परसेंट लोग इंटेलिजेंट हैं, कितने परसेंट लोग क्या हैं, ये एक कह सकते हैं क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है बुद्धि का, ठीक है बात, ठीक।
जिंजर का यूज कर लेंगे। आईक्यू टेस्ट कैसे कराएं, बहुत सारी वेबसाइट ऑनलाइन करती रहती हैं टेढ़े मेढ़े तरीके से, जरूरत नहीं है वैसे आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले, इस एनपीसी से समझने से पहले, क्या वो एनपीसी समझ में नहीं आया क्या? इतना सुंदर एनपीसी की पिक्चर दिखाई है आपको स्मार्ट बोर्ड का यूज करते हुए, देखो अभी समझेंगे उसको। उससे पहले आपको एक चीज समझनी है, मैंने आपको कई बार डिस्कस की है, रेंजोली। रेंजोली एक व्यक्ति है, रेंजोली कह सकते हो आप। इन्होंने गिफ्टेडनेस के तीन कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं। गिफ्टेडनेस मतलब प्रतिभाशाली बच्चे के, प्रतिभाशाली बच्चे के कुछ गुण बताए हैं इन्होंने। एक थ्री रिंग मॉडल दिया है, थ्री रिंग मॉडल, तीन छल्ले वाला कह सकते हो, ऑडी नहीं है ये, उसमें चार होते हैं, चार ही होते हैं ना, कभी झंड कराऊं मैं अपनी। देखो तीन रिंग हैं, यानी तीन गोले हैं, ठीक। ये कॉमन एरिया है जो तीनों में पाया जाएगा, इसी को हम गिफ्टेड कहते हैं। इस कॉमन एरिया को ही हम गिफ्टेड कहते हैं रेंजोली के अकॉर्डिंग, ठीक है बात। ये गिफ्टेड का एरिया एक तरीके से, ये गिफ्टेड बच्चा है जिसमें ये तीनों चीजें कॉमन हैं। तो ये तीनों सर्कल में हैं क्या, वो तीनों चीजें हैं कौन सी? एक है हाई क्रिएटिविटी, यानी ऐसे बच्चे में रचनात्मकता, कुछ नया करने का गुण ज्यादा होगा। हाई एबिलिटी या हायर एबिलिटी, और हायर कमिटमेंट। हाई कमिटमेंट यानी परसिस्टेंट, यानी कि जिस चीज को वो करना चाहते हैं उस पर लगे रहते हैं, इतनी आसानी से चीजों को बीच में नहीं छोड़ते, ये कह सकते हैं हम, ठीक। धन्यवाद रवि। अब इसको आप एक और तरीके से याद रख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ACC। ACC पहले सीमेंट आया करता था जब मैं छोटी थी, ठीक। ACC मतलब हाई एबिलिटी, यानी क्षमता ज्यादा है चीजों को करने की। हाई क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता, कुछ नया करने की क्षमता ज्यादा है। और हाई कमिटमेंट यानी लगे रहने की क्षमता ज्यादा है। तो ये तीन चीजें जिनमें हैं वो गिफ्टेड कहलाएंगे। जिनमें ये तीनों चीजें हाई हैं, क्रिएटिविटी भी, एबिलिटी भी, कमिटमेंट भी, तो वो बीच वाले कॉमन एरिया में आ गए, जो शेडेड एरिया है। ये शेडेड एरिया वाला बच्चा गिफ्टेड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि उसके अंदर हायर एबिलिटी भी है, क्रिएटिविटी भी है, और क्या है, कमिटमेंट भी है। तीनों चीजें हैं, कोई प्रॉब्लम है ना? क्लियर हो गई बात? जब ये तीनों चीजें हैं तो बच्चा क्या हो गया, गिफ्टेड हो गया। इन्होंने ये कह दिया। आईक्यू को आप आईक्यू के तरीके से भी गिफ्टेडनेस को देख सकते हो, और ये रेंजोली का तरीका हुआ। क्लियर हो गई बात? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी भी आता है ACC सीमेंट यार, अब तो पता नहीं मुझे, पहले आराम से जब साइकिल से जाती थी गांव से, आराम से सब कुछ देखती हुई जाती थी, दुकानें काफी कलरफुल लगती थी। देखो एक बार, अब बेल कर्व पे आते हैं, बेल कर्व पे आते हैं। यार इसमें क्या समस्या आ रही है? एक तो YouTube के साथ प्रॉब्लम ये है, तो इतने लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, या तो कमेंट्स बंद ही कर दो, क्योंकि चैप्टर डिस्कस करना तो अपने आप में युद्ध है। देखो, रेंजोली यानी थ्री रिंग मॉडल, गिफ्टेडनेस यानी प्रतिभाशाली होने के तीन गुण बताए इन्होंने, तीन रिंग बताए, तीन गोले में आपको आना चाहिए। पहला है हाई क्रिएटिविटी, यानी कि रचनात्मकता ज्यादा हो इनके अंदर, जो व्यक्ति जो बच्चा जिसके अंदर रचनात्मकता ज्यादा है। दूसरी चीज है हायर एबिलिटी, यानी जिसके अंदर चीजों को करने की क्षमता ज्यादा है। तीसरी चीज है कमिटमेंट, यानी कमिटमेंट को जो भी कहते होंगे, परसिस्टेंट कह लीजिए, यानी लगे रहने की क्षमता है, कह सकते हैं कि ज्यादा लगन है, ये कह सकते हैं। तो ये तीनों चीजें जिसमें है वो गिफ्टेड की कैटेगरी में आ गया रेंजोली के अकॉर्डिंग। अब हम आते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पे, जिसमें पॉपुलेशन को डिवाइड किया गया है आईक्यू के आधार पे। एक तरफ आईक्यू स्कोर है, दूसरी तरफ आपकी प्रोबेबिलिटी है, कितने परसेंट लोग कहां कहां आते हैं, ठीक है बात? क्लियर है बात? देखो एक बार, अब अगर हम बात करें यहां देखो, ये बिल्कुल सेंटर ले लिया 100 वाला, इसको आप जीरो भी ले सकते थे, बट इन्होंने 100 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको स्टैंडर्ड डेविएशन की टर्म में जीरो कह सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन होता है, जिन्होंने स्टैट्स पढ़ा होगा या इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी 11th 12th में, उन्हें पता होगा ये, ठीक, स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब जैसे जैसे प्लस में जाएंगे, 15-15 का गैप रखते हुए टेबल बना दी, प्लस में जाएंगे स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो गया, नेक्स्ट पे जाएंगे स्टैंडर्ड डेविएशन 2, इसके आगे जाएंगे 15 का गैप बढ़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 हो गया। इधर जाएंगे ऑब्वियसली माइनस में ही होता था, है ना, -1 -2 और -3, ठीक है बात।
इस आधार पर इसको हम वर्गीकृत कर सकते हैं। अब ये जो बिल्कुल सेंटर है 100 वाला, ये है बिल्कुल शून्य कह लो आप इसको, स्टैंडर्ड डेविएशन बिल्कुल बैलेंस में है, यहां से शुरू कर रहे हैं हम। हम जानते हैं 85 से 115 है ना, 90 से 115 या 110 अगर हम कहें तो ये वाला एरिया एवरेज बच्चों का होगा, औसत बच्चों का होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारी इतनी 68% जो पॉपुलेशन है वो यही फॉल कर रही है, कितना 85 से 115 में, मतलब एवरेज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, एवरेज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ये कह सकते हैं, ये हम देख रहे हैं यहां 85 से 115 के बीच में बहुत सारे लोग हैं, और जो कि लगभग एवरेज जो आईक्यू हमने पढ़ा था अभी 90 से 110 का, उसके बीच का हिस्सा है। हमने बात की थी 140 प्लस वाला क्या है, गिफ्टेड है, 140 के पार तो बहुत कम लोग हैं, या 130 भी अगर आप मान रहे हो तब भी 2% पॉपुलेशन भी नहीं है जो गिफ्टेड की कैटेगरी में है, और इसी तरीके से 2% पॉपुलेशन भी नहीं है जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन से भी पीछे है, जो रिटार्डेड है एकदम, बुद्धू है जो एकदम आईक्यू स्कोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है बात। अब अगर पूछ ले कि गिफ्टेड जो है यहां, जो बच्चा गिफ्टेड है उसका कितने कितना नंबर आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का, आपको पता है 130 के पार ही होगा, तो हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन 3 पे यदि कोई है तो वो क्या है, गिफ्टेड कहलाएगा, ठीक है बात। या अगर पूछ ले हमसे परसेंटेज में, तो हम कहेंगे 2% लोग ही गिफ्टेड की कैटेगरी में है, मतलब बाकी के 98% क्या है, नॉर्मल लोग हैं या गिफ्टेड से पीछे हैं, अब वो नॉर्मल कह लो या जो भी कहना चाहो, ठीक। अगर पूछ ले बिल्कुल बुद्धू लोग या रिटायर्डेड या फिर बॉर्डर लाइन से भी नीचे लोग, अगेन 2%। ज्यादातर जो पॉपुलेशन है दुनिया में वो औसत है, एवरेज है, ठीक है बात। जिनको समझ में नहीं आ रहा हो या बीच में से ज्वाइन किया हो, दोबारा से देखना सेशन, अभी मैं फिर से डिस्कस करूंगी इसको। ये मत सोचो ये मैथ चल रहा है, बहुत प्यारी सी चीज चल रही है, थोड़ा सा दिमाग को रिलैक्स करके पढ़ो, ठीक है। बिल्कुल मानक विचलन कह सकते हैं आप हिंदी में इसको, एग्जैक्टली जी, धन्यवाद मसरूर। अगर हम बात करें यहां, क्लियर हुई ये बात या नहीं, अगर आपसे पूछ ले एवरेज पॉपुलेशन तो ये 68% के बीच में है स्टैंडर्ड डेविएशन 1 तक, ठीक। इसके पार जाते ही सुपीरियर में जा रहे हैं और आप जा रहे हैं गिफ्टेड में, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन 3 पे है उसको आप गिफ्टेड कहेंगे या नहीं कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, ठीक है बात। ये बात यहां तक क्लियर हुई या नहीं, यहां देख लो ना सिंपल, अगर आप जैसे जैसे ग्राफ बढ़ेगा वैसे वैसे पॉपुलेशन कम होती जाएगी, ठीक। खुश नहीं हूं यार दीपक, मैं बहुत भाग भाग के आई हूं, मैं कहीं गई हुई थी किसी काम से तो कह लो, या फिर कुछ कह लो, आज मेरे दिवाली गिफ्ट्स बचे हुए थे तो वो उधर से लेने गई थी और मैं लेट हो गई आते हुए, फिर उनको कुछ मतलब थोड़ा सा मुझे मतलब हो जाता है फोकस का, फिर बहुत ही भाग भाग के आई हूं तो दिमाग में शांति की कमी है थोड़ी सी। अभी देखो एक बार, यहां तक की बात क्लियर हुई या नहीं, ऊपर से ये कोल्ड ने दुखी किया हुआ है, क्लियर है या नहीं है ये बताओ, अगर डाउट है तो डाउट बताओ कि ये डाउट है। आइंस्टाइन का 160 प्लस था, एल्बर्ट आइंस्टाइन का आई थिंक, जितना मुझे पता है आइंस्टाइन तो गिफ्टेड है भाई, ये तो टेबल में ही नहीं है, है? 0.1% लोगों की कैटेगरी में जाएंगे वो तो, ठीक है क्लियर है। चलिए इतना वीडियो पीछे से फिर से देख लेना, समझ आ जाएगा। देखो अब एक क्वेश्चन आता है जिसको देख के कई लोग तो चक्कर खा जाते हैं, द शेडेड एरिया रिप्रेजेंट स्टूडेंट्स इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व एनपीसी में, ये जो शेडेड एरिया है, मैंने अभी आपको शेड बना के दिखाया था रेंजोली की टेबल में, ये जो शेडेड एरिया है, ये जो रंगा हुआ एरिया है ना, ये बच्चा कहां आएगा, ये कौन सा एरिया है ये पूछा है। और इन्होंने जो रेंजोली ने मॉडल बताया थ्री रिंग का, हाई मोटिवेशन, मोटिवेशन हाई है, हाई क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी भी हाई है, और इंटेलिजेंस भी हाई है, शब्द चेंज कर दिए बात वही है भाई, जिस बच्चे में मोटिवेशन हाई है, क्रिएटिविटी हाई है, इंटेलिजेंस हाई है, तो वो बच्चा भी हाई ही होगा, है ना, वो वाला हाई नहीं, ठीक। तो कह सकते हैं कि ये बच्चा क्या है, गिफ्टेड होगा, तीनों चीजें कॉमन है, जो शेडेड एरिया है यदि बच्चा यहां है तो वो गिफ्टेड होगा, उसका आईक्यू अच्छा खासा होगा, इंटेलिजेंट भी है, क्रिएटिव भी है, मोटिवेशन भी है, यानी कमिटमेंट कह लो आप मोटिवेशन को, ठीक, इंटेलिजेंस एबिलिटी को कह लो, जो वो थ्री रिंग का मॉडल था उसमें। ये बच्चा कहां लाए करेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 0 से 2 के बीच में, 0 के बीच में इसका मतलब है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के, ये अल्फा पढ़ने का जी कर रहा है उसको, बताओ एक बार। फोर्थ ऑप्शन कह सकते हैं, फोर्थ ऑप्शन
फोर्थ ऑप्शन कह सकते हैं. क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये तीनों चीजें इसमें आ गई. तो ये आफ्टर थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने अभी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में देखा था, ये गिफ्टेड हो गया बच्चा. और गिफ्टेड बच्चा कहां था? 130 से 45 के बीच में सिर्फ 2% ही लोग थे, और ये थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद था. अब कई लोगों को समस्या आ रही होगी कि ये 130 से 40 क्यों नहीं हुआ, या दूसरे तरीके से एक आध टर्म को ऊपर नीचे क्यों नहीं किया. देखो यहां पे देखो, जो टर्मन की टेबल है वो तो कह रही है 140 प्लस जाओ. तो ऐसा हो सकता है आपको कुछ टेबल्स में ये जीरो मिल जाए. इसको जीरो भी मान सकते हैं हम. स्टैंडर्ड डेविएशन तो जीरो ही मानते हैं हम. इसको स्टैंडर्ड डेविएशन जीरो मानते हैं. यहां पे इसको जीरो मानेंगे, यहां से 1, 2 और 3. ठीक है बात. ये बच्चा कह सकते हैं, अगर इसको नॉर्मल थोड़ी इंडियन टेबल करेंगे, 145 की जगह 140 ही लिख देंगे, कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन 3 के पार है. ठीक है बात. तो इसको अगर जीरो मान लेंगे, क्योंकि कुछ टेबल्स में आपको ऐसा मिल जाएगा, वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है, तो कोई इससे कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है. मतलब कह सकते हैं कि तीन के आगे तो कुछ नहीं है ना, तीनों चीजें कॉमन है, तीन के आगे कुछ नहीं है. स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है, गिफ्टेड है बच्चा, इसके आगे और कुछ है ही नहीं. 0.1% पॉपुलेशन है जो यहां. ठीक हो गई बात. आगे बढ़े. एवरेज के लिए जीरो यूज करते हैं. एग्जैक्टली एवरेज के लिए हम ये जीरो यूज कर लेंगे. सिग्मा कह लेते हैं, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, जो भी आप कहना चाहें. सिग्मा का तो दूसरा होता है साइन. मैथ्स तो नहीं पढ़ रहे ना. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. तो अब सिंपल बात हम याद रख सकते हैं, जो ये जीरो पे है वो एवरेज हो गया. स्टैंडर्ड डेविएशन जीरो पे है यदि कोई, तो एवरेज बच्चा 1 होगा. इसके ऊपर सुपीरियर चला जाएगा, या उसके भी बीच में एक कैटेगरी होती है. 3 होगा तो सीधा वो गिफ्टेड के पार है, उससे आगे और कुछ नहीं है. ठीक है, तो ये एक बेसिक सी बात है. आगे बढ़ेंगे. इतना आपसे बदले नहीं लेगा एग्जामिनर. ये बहुत ही आसान था. अगर आपको नहीं भी पता होता ना नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, आपने कभी शक्ल ना देखी होती, तब भी अगर आपको रेंज वैली का मॉडल पता था, तब भी आप देख लेते यार तीनों चीजें हाई हैं बच्चे में, और ये तीनों कॉमन है यहां पे. सिंपल है ना, तीन के बाद जाएगा ना, सब कुछ तो है इसमें. ठीक है, नॉर्मल सिंपल कॉमन सेंस लगाओगे, कुछ क्वेश्चन उससे भी निकल जाएंगे. जरूरी नहीं है ना आप विज्ञानी और पूरा रिसर्चर बन जाएं, आप पॉसिबल नहीं है वो. तो कुछ चीजें तो नहीं दिखेंगे ही पेपर में हमेशा, तो इसको देख के घबराना थोड़ी होता है. देखो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, अब तक जो भी पढ़ा है उसके कॉन्सेप्ट से है, थियोरी इसके आगे आएंगी. बताओ एक बार. करा दूंगी 100 क्वेश्चन मैथ्स पेडागोजी की. ओके, स्पीड ज्यादा है क्या? देख लो, कुछ लोग तो सिर्फ बातों में लग रहे हैं. देखो एक बार, आंसर है बी. जी नितिका, ठीक है, दैट्स ओके. ठीक है, अब इसमें भी किसी को ये था 2Q और 3Q के बीच में क्यों है? ये 3 के भी बाद है, इसके आगे कुछ नहीं है. देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस कोशेंट, IQ का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा डेवलप किया गया था? सिंपल आंसर है स्टर्न. IQ टर्म किसने दिया? स्टर्न ने. स्टर्न. फॉर्मूला रिवाइज करने की बात होती तो टर्मन. आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Who developed the first intelligence test? पहला बुद्धि का परीक्षण किसने विकसित किया? तो 1904 में किसने? फटाफट से बताओ, ये तो कल भी कराया था. ये तो कल भी कराया था. एल्फ्रेड बिने. कौन है ये व्यक्ति? एल्फ्रेड बिने. इनके साथ एक और हैं जो इनके एसोसिएट थे, थियोडोर साइमन. तो बिने और साइमन का यदि नाम आएगा, बिने एंड साइमन, इन दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर मिलेगा, अगर पहले बुद्धि परीक्षण की टेस्ट की बात हो रही है. फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग भी कहते हैं इनको, इंटेलिजेंस टेस्ट के या बुद्धि परीक्षणों के जनक भी कहा जाता है. ये क्वेश्चन देखो एक बार, IQ बेस्ड क्वेश्चन है. एक बच्चा जो 16 साल का है, उसका IQ स्कोर है 75, मतलब एवरेज से तो पीछे ही होगा ये, है ना? और इसकी मानसिक क्षमता या मानसिक एज क्या होगी, मेंटल एज क्या होगी? आपको बताइए सिंपल, ये कल भी बताया था, IQ बराबर MA × CA × 100. ठीक, MA मतलब मानसिक आयु. 16 वर्ष पता ही नहीं हमें मानसिक आयु तो क्या है, तो इसको X लिख लो या फिर सीधे MA लिख लो. क्रोनोलॉजिकल एज 16 है, 100 से मल्टीप्लाई जरूर करना है. IQ स्कोर है हमारे पास 75 का, कट कर लो ये और 12 आ जाएगा काट पीट के, तो 12 साल इसकी मानसिक आयु आ जाएगी बच्चे की. ठीक है बात.
क्लियर हुई कि नहीं हुई ये बता दो बस। देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो एक बार, है ना, 12 बताया था कल इसका। नेक्स्ट देखो, क्लास का पता नहीं यार कब तक चलेगी, स्पीड तो ठीक ठाक ही है। अच्छा अजय ठीक है, क्या हुआ बॉबी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ ये रिपीट किया है क्योंकि कई लोगों को समस्या थी, परेशानी थी, कंफ्यूजन थी। क्वेश्चन है, दो आइडेंटिकल ट्विंस हैं जो बिल्कुल एक साथ पैदा हुए हैं, इनके आईक्यू में थोड़ा सा डिफरेंस तो होता है ना। इकोनॉमिकली रिच फैमिली ने एक को अडॉप्ट कर लिया और दूसरे को एक गरीब परिवार ने अडॉप्ट कर लिया। एक साल बाद इनके आईक्यू स्कोर्स में क्या देखने को मिलेगा। अब इसमें कई लोग कंफ्यूज थे कि सोशियो इकोनॉमिक लेवल होना चाहिए, ज्यादातर जगह पे गिवन भी यही है, और पहले मुझे भी यही लगता था इनिशियल ईयर्स में जब मैंने शुरू किया था पढ़ाना। ठीक है बात, अगर मैं बात करूं तो आईक्यू स्कोर इनका इक्वल ही रहेगा, ये मैं करा भी चुकी हूं इससे पहले, कई बार डिस्कस कर चुकी हूं। अब तो बोथ ऑफ देम विल स्कोर इक्वली, क्योंकि एक साल में आईक्यू स्कोर नहीं बदलेगा। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस SES, इस पे अगर आप थोड़ा सा पढ़ना चाहेंगे इंटरनेट से या किताबों से तो आपको पता लगेगा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का फर्क पड़ता है बुद्धि पे लॉन्ग टर्म में, क्योंकि इनको स्कूलिंग अच्छी मिलेगी, इनको न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा, इनको सब चीज अच्छी मिलेगी जो रिच फैमिली के पास गया है। तो 10 साल में या एक डेकेड में, 20 साल में जो रिच फैमिली के पास है उसका IQ ज्यादा दिखेगा, अगर बिल्कुल सेम भी था तो भी। इंटेलिजेंस देखो बहुत ज्यादा आईक्यू नहीं बढ़ता है, ऐसा नहीं है कि कई गुना बढ़ जाएगा, बट अंतर मिलेगा। और जो रिच फैमिली में है उसका आईक्यू ज्यादा मिलेगा दूसरे वाले से जो साथ में जिनको लिया है ना। तो इसलिए डी ऑप्शन नहीं बनेगा, ये नहीं कह सकते कि पुअर वाला ही कमजोर होगा, दोनों का स्कोर इक्वल आएगा। एक साल में अंतर नहीं आता आईक्यू में, डेकेड्स में अंतर आता है। ठीक है बात, सालों में अंतर आता है, एक साल में नहीं। आगे बढ़ेंगे, अभी तो थियोरी भी करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ आईक्यू टेंड्स टू डैश देयर सेल्फ एस्टीम एंड डैश एकेडमिक परफॉर्मेंस। यदि क्लासिफाई कर दिया जाए बुद्धि के अकॉर्डिंग, आईक्यू स्कोर के अकॉर्डिंग यदि वर्गीकृत कर दिया जाए बच्चों को, तो क्या फर्क पड़ेगा उनकी परफॉर्मेंस पे, बताओ एक बार आंसर करो। ठीक है उषा जी, संदीप तवर जी नाम तो ले लेंगे, पढ़ाई कर लो अभी तो, ये इंपॉर्टेंट है। कह सकते हैं कि डिक्रीज होगा यदि बच्चों को आपने आईक्यू टेंड्स टू डिक्रीज देयर सेल्फ एस्टीम, यदि आपने विभाजित कर दिया कैटेगरी में, ठीक कैटेगरी में ये बुद्धू है, ये एवरेज है, ये बिल्कुल स्लो लर्नर है, तो एक टाइम के बाद जो एवरेज वाला है, मतलब सेल्फ एस्टीम डाउन होगी उन लोगों की स्पेशली जिनको कम वाली कैटेगरी में रखा गया है। और अगर मैं बात करूं यहां पे एकेडमिक परफॉर्मेंस भी डाउन होगी, क्योंकि वो चीज नॉर्मल हो जाती है जहां आप रहते हैं। ठीक, तो जरूरी नहीं है गिफ्टेड वाला हमेशा ही उस तरीके से ही काम करेगा। तो ग्रुप जब भी हम बनाते हैं तो वो मिक्स्ड ग्रुप बनाते हैं, यानी कि हेट्रोजेनस ग्रुप बनाते हैं, जहां एक एवरेज बच्चा भी है, जहां एक जीनियस बच्चा भी है, हेट्रोजेनस ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, द्विसम लैंगिक कहते हैं या जो भी कहते हैं उसको, ठीक, मतलब अलग अलग तरह के बच्चे इसमें होने चाहिए अगर ग्रुप बनाना भी है। तो अगर आईक्यू के स्कोर पे आपने बांट दिया तो आपने बच्चों को लेबल कर दिया, और लेबल करना हमेशा गलत है। तो उनकी सेल्फ एस्टीम, उनके खुद के विश्वास में भी और उनकी परफॉर्मेंस में भी, दोनों में कमी आएगी, क्योंकि जिनका आईक्यू ज्यादा भी है वो भी वैसे ही लोगों के साथ रह रहे हैं, और परफॉर्मेंस एक टाइम के बाद नॉर्मल हो जाएगा दिमाग में और परफॉर्मेंस में कमी आएगी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट वाले खत्म होते हैं, अब दो तीन थ्योरीज हैं जिनको समझना जरूरी है और जहां से कई बार चीजें पूछ लेता है। ठीक है बात, 7000 लाइक्स हो गए मैम, अरे बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब तो चलता रहेगा। ये टॉपिक वाला जो जब बात आती है ना टॉपिक की, ये पहले से ही है, और अगर आपने पुराने वीडियोज भी देखे होंगे तो टॉपिक में एनर्जी लगती है, फिर लाइक वाइक से ध्यान हट जाता है। देखो एक बार, सिंगल फैक्टर और यूनि फैक्टर थियोरी, अगर मैं बात करूं सिंगल फैक्टर और यूनि फैक्टर थियोरी की, इसका नाम है एक तत्व सिद्धांत बुद्धि का, एक तत्व सिद्धांत, और आप इसको यूनिफैक्टर यानी सिंगल फैक्टर कह सकते हो। किसने दी है ये थ्योरी? एल्फ्रेड बिले ने। इन्होंने कहा बुद्धि क्या है? एक सिंगल एंटिटी है,
एक फैक्टर है जो आपकी हर एबिलिटी में हर जगह पे काम करेगा, अगर आप सिंगल एंटिटी है या एबिलिटी है जो आपको हर एक एस्पेक्ट में प्रभावित करेगी, ठीक है। मतलब सिर्फ एक फैक्टर है इसका, बुद्धि का। यूनिफैक्टर का मतलब है सिंगल फैक्टर, सिंगल एंटिटी है बुद्धि। यदि कोई मैथ्स में बहुत अच्छा है तो फिर वो सब जगह अच्छा होगा, या वो इंटेलिजेंट है, एक ही फैक्टर है। इसको बेसिकली इन्होंने लॉजिकल एबिलिटी कहा कि जिसमें लॉजिक या तर्क की क्षमता ज्यादा है वो बुद्धिमान है। यानी एक ही फैक्टर है, सिर्फ एक ही फैक्टर है बुद्धि का, एक ही तत्व होता है बुद्धि का, या तो है या तो नहीं है, या तो आप हर चीज में बुद्धिमान है या तो आप बिल्कुल गधे ही हैं, ठीक है। बात आगे बढ़ेंगे, तो इन्होंने सिर्फ एक फैक्टर कहा, और ये थियरी ना पूछी जाती है आजकल, बट नाम आपको पता होना चाहिए। इसको बहुत अच्छा नहीं माना गया क्योंकि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बुद्धि में बहुत सारी मल्टीपल चीजें, मल्टी डायमेंशनल है बुद्धि, है ना। बुद्धि कैसी है? मल्टी डायमेंशनल है। जी नेक्स्ट है टू फैक्टर थियरी। टू फैक्टर थियरी मतलब द्वि तत्व सिद्धांत, बुद्धि का द्विकारक या द्वि तत्व सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत बुद्धि का। इसको दिया चार्ल्स स्पीयरमैन ने, सी स्पीयरमैन कहते हैं। यहां से कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन। इन्होंने कहा जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, वो जी प्लस एस यानी जनरल और स्पेसिफिक यानी सामान्य बुद्धि प्लस विशिष्ट बुद्धि का मिश्रण है। तो बुद्धि में दो फैक्टर होते हैं, एक है सामान्य जिसको हम स्पोर्ट्स की एबिलिटी कह सकते हैं। विराट कोहली यहां फुटबॉल खेल रहे हैं, ये इनके अंदर स्पोर्ट्स की एबिलिटी है, ये इनके अंदर जनरल एबिलिटी है, ये इनके अंदर सामान्य क्षमता है कि ये फिजिकली अच्छा कर सकते हैं। तो ये चाहे क्रिकेट खेलें, चाहे फुटबॉल खेलें, चाहे बैडमिंटन खेलें, खेल सकते हैं, ठीक। लेकिन स्पेसिफिक एबिलिटी इनकी क्या है, किसी एक विशेष क्षेत्र में ये अच्छा कहां करते हैं, क्रिकेट में। तो ये उनकी स्पेसिफिक फैक्टर हो गया, कुछ भी खेल सकते हैं, ये इनका जनरल फैक्टर हो गया जो हमारी हर एक्टिविटी में काम आएगा। साइना नेहवाल, ये इनका स्पेसिफिक फैक्टर हुआ क्योंकि ये क्रिकेट में अच्छा करती है, विशिष्ट फैक्टर है, विशिष्ट तत्व है बुद्धि का कि एक स्पेशल क्षेत्र में, एक स्पेशल फील्ड में, एक स्पेसिफिक फील्ड में आप अच्छा करेंगे, ठीक। लेकिन ये भी कोई भी स्पोर्ट खेल सकती हैं। ये हो गया जनरल फैक्टर कि आप हैं, तो स्पेसिफिक फैक्टर कौन सा है इनका, क्रिकेट, लेकिन जनरली ये कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो जनरल फैक्टर आपकी हेरिडिटी से जुड़ा हुआ होता है, हम कह सकते हैं जन्म से होता है, इसको आप बढ़ा नहीं सकते। और जिसका जनरल फैक्टर अच्छा है उसके स्पेसिफिक फैक्टर्स पे भी प्रभाव पड़ेगा, अच्छे हो सकते हैं। स्पेसिफिक फैक्टर को आप ट्रेनिंग देके अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अगर फिजिकली एक्टिविटी करने की क्षमता ही नहीं है आप में, तो स्पेसिफिक फैक्टर को डेवलप नहीं कर पाओगे, ठीक। तो जनरल फैक्टर प्रभावित करता है सभी एक्टिविटीज को, इसको बढ़ा नहीं सकते, स्पेसिफिक को हम ट्रेनिंग देके बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बात हाँ हो जाएगा जतिन प्रताप, बाकी एक खतरनाक बैच आएगा साइकोलॉजी का, बहुत ज्यादा डिमांड है उधर करियर विल पे। हाँ पंडित सौरभ थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो। नहीं प्रैक्टिस से आईक्यू नहीं बढ़ता बिल्कुल भी आलिया, प्रैक्टिस से आईक्यू नहीं बढ़ता ये कहना गलत होगा, इतनी आसानी से नहीं बढ़ता और बहुत कम ही बढ़ता है अगर ओवरऑल भी आप देखेंगे, लाइफ स्पैन में भी ऐसा नहीं होता कि कई गुना बढ़ जाएगा। देखो तो ये जनरल फैक्टर है जो सभी चीजों में काम आएगा। स्पेसिफिक फैक्टर बोलने से संबंधित हो सकता है, मैकेनिकल काम करने से संबंधित हो सकता है, चीजों को देखने से संबंधित, नंबर्स से संबंधित हो सकता है, कोई मैथ्स में बहुत अच्छा हो। जनरल एबिलिटी सभी चीजों में काम आती है, जनरल प्लस स्पेसिफिक मिलकर काम करते हैं, ये कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, स्टर्नबर्ग की टायरार्की थ्योरी, जिससे एक आध क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। स्टर्नबर्ग की ट्रायार्किक थ्योरी, जिससे एक आध क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। कौन समोसे खा रहा है ये कमेंट्स में, देखो एक बार। अगर मैं बात करूं स्टर्नबर्ग की ट्रायार्किक यानी त्रिबुद्धि सिद्धांत, तीन आर्क्स हैं या तीन प्रकार हैं बुद्धि के स्टर्नबर्ग के अकॉर्डिंग। एक है एनालिटिकल, जिसको हम दूसरी भाषा में कॉम्पोनेंशियल कह देते हैं, कॉम्पोनेंशियल इंग्लिश में याद रख पाओगे तो ज्यादा खुश रहोगे, ठीक। क्रिएटिव है, जिसको हम एक्सपीरियंशियल कह देते हैं, अनुभवजन्य, एक्सपीरियंशियल, एक्सपेरिमेंटल नहीं है, ठीक, जिसको रचनात्मक बुद्धि कह रहे हैं हम। और तीसरा है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, जिसका नाम कॉन्टेक्चुअल है, संदर्भ में जो बुद्धि का इस्तेमाल कर पाए डेली लाइफ सिचुएशंस में, ठीक। तो ये इनके एक एक एक्स्ट्रा नाम है, ठीक। यार हिंदी मीडियम की कोई अलग से पीडीएफ नहीं है, पीडीएफ कॉमन ही होती है सभी के लिए, कभी तो सेटिस्फाइड हो जाया करो, बच्चे की जान लोगे क्या, खुद क्यों नहीं बनाते हो नोट्स। ये देखो अगर मैं बात करूं ट्रायार्किक थ्योरी की,
त्रिबुद्धि सिद्धांत की, तो इसमें इन्होंने तीन बुद्धि के सिद्धांत दिए हैं, पी सी ए से आप याद रख सकते हो, पी सी ए यानी कि प्रैक्टिकल, क्रिएटिव और एनालिटिकल। ठीक है बात। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस वो है जो इंसान स्ट्रीट स्मार्ट होगा, डेली लाइफ एक्टिविटीज में जुगाड़ करके कुछ भी कर लेगा, मैकेनिकल काम और ये सारी चीजें जो एवरीडे टास्क में दुनिया में ऐसे हो सकते हैं। ये आपका पॉलिसी एजेंट हो सकता है जो बड़ा प्रैक्टिकली काम निकलवा लेगा आपसे, है ना, कोई प्लम्बर हो सकता है आपके घर में आने वाला, कोई और भी इस तरीके का इंसान हो सकता है जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में लाइफ के अच्छे से निकल जाता हो। ठीक। क्रिएटिव क्या है? क्रिएटिव है जिसको इनसाइट्स आते हो, जो चीजों को जोड़ करके तोड़ करके कुछ नया क्रिएट कर लेता हो, जो नई सिचुएशन में यूनिक तरीके से अडेप्ट करता हो। अब ये कोई भी क्रिएटिव इंसान हो सकता है, पेंटर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एनालिटिकल मतलब कुछ नया, सॉरी एनालिटिकल मतलब ऐसे लोग पढ़ाई लिखाई में अच्छे होंगे, कॉम्पोनेंट्स को जोड़ करके रीजनिंग में, तर्क में, मैथ्स में, इन सब में अच्छे होंगे, ये कंपेयर कर सकते हैं चीजों को, इवेल्युएट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, है ना, कुछ रिसर्च कैरी आउट कर सकते हैं, तो ये लोग पढ़ाई लिखाई में अच्छे मिलेंगे आपको, एनालिटिकल वाले। ठीक है बात। तो ये तीन प्रकार हो गए बुद्धि के। क्लियर हुई बात? आगे बढ़े। जी फैक्टर के बारे में एक क्वेश्चन है, कल भी किया था। जी फैक्टर क्या है? जनरल एक टर्म है मेंटल एबिलिटी को जनरल रूप में मापने का, कि हाँ अगर जनरल फैक्टर अच्छा है आपके अंदर स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग, तो आप बाकी चीजों में भी ठीक होंगे। तो ये ओवरऑल जनरल एबिलिटी है बुद्धि को मापने की। दूसरा है फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अल्टरनेटिव्स टू असेस इंटेलिजेंस। कौन सा एक तरीका नहीं है बुद्धि के आकलन का, एक्सेप्ट पूछा है, कल भी ये डिस्कस किया था, सीधे आंसर कर दो, इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। डाल सकती है अजय जी। आंसर क्या होगा इसका? कि सिर्फ टीचर की अटेंशन गेन करना, जैसे कई लोग कह रहे हैं कि मैडम बाल ठीक कर लो, ये कर लो, वो कर लो, क्या करोगे इनका? ये इनको इंटेलिजेंट कहें अब? नहीं कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट रोल ऑफ एनवायरमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। बच्चे के विकास में एनवायरमेंट यानी वातावरण का, भाई हेरिडिटी का ज्यादा रोल होता है इंटेलिजेंस में और वातावरण का भी रोल होता है, तो वातावरण के रोल के बारे में कौन सी एक बात सही है यदि हम बात करें आज के सेशन में? कितनी देर की क्लास है अंजलि पूछ रही है। अंजलि ये वाले क्वेश्चन कर देंगे, गार्डनर को हम कल ही डिस्कस करेंगे, वैसे तो कल संडे है बट मैं देख लूंगी, एक सेशन किसी टाइम तो लेने की कोशिश करती हूँ, बताती हूँ यार कल का भी वैसे मुश्किल ही है, परसों करेंगे फिर, कल तो संडे है ना, तो संडे वार्ता करेंगे। क्या हो गया इसको, क्वालिटी को? थैंक यू जाति विश्वास, जयति। गुस्से में नहीं हूँ, मसरूर, तबीयत थोड़ी ढीली है। और देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट रोल ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट का रोल। फिजिकली फिट चिल्ड्रन आर ऑफन फाउंड टू बी मोर मॉरली गुड। ऐसा तो कोई संबंध नहीं देखा हमने कि जो फिजिकली अच्छा है वो मॉरली गुड ही होगा, है ना, पूरी पूरी बाइसेप्स बना के घूमते रहते हैं लोग बुलेट लेकर के, और बुद्धि होती नहीं है बोलने की भी, सबको नहीं कह रही हूं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं, जरूरी नहीं सब में मॉरल वैल्यूज है, जरा सी टच हो जाए किसी की गाड़ी या कुछ आप रोड पे देखेंगे, एक से एक जो अपने आपको समझदार समझ रहा है, 10 लाख की गाड़ी लेके चल रहा होगा, निकलते ही सीधे गाली देगा सीधे, आपने ऑब्जर्व किया होगा कभी, मतलब पेशेंस नाम की चीज नहीं है, मॉरल वैल्यूज तो कहीं तेल लेना, जब लेके निकले हो तो ठुकेगी भी मत, लो ना चलो ऑटो में। तो ये एक बेसिक सी बात हो गई कि जरूरी नहीं अगर फिजिकली आप हट्टे कट्टे दिख रहे हैं, बहुत ही पर्सनैलिटी आपकी तोप है, तो आप मॉरली भी बहुत अच्छे होंगे, आपका जो व्यवहार है वो भी बहुत अच्छा होगा, जरूरी नहीं है। सम स्टूडेंट्स क्विकली प्रोसेस इन्फॉर्मेशन वाइल अदर्स इन द सेम वे इन द सेम क्लास डू नॉट। ये कहना गलत होगा कि कुछ बच्चे जल्दी से कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते, इसमें एनवायरमेंट का रोल नहीं है, ये इंटेलिजेंस का भी इसमें भाग है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देयर हैज बीन अ स्टडी इंक्रीज इन स्टूडेंट्स एवरेज परफॉर्मेंस ऑन आईक्यू टेस्ट इन लास्ट फ्यू डेकेड्स। के धीरे धीरे अगर हम देखें पिछले 10 साल के गैप में, एक डेकेड में, तो बच्चों के आईक्यू स्कोर में बढ़ाव है, बढ़ावा क्या कहेंगे, इंक्रीमेंट है। फिर है कोरिलेशन बिटवीन आईक्यूज ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस रेज्ड इन डिफरेंट होम्स इज एज हाई एज 0.75। मतलब जो अलग अलग घरों में भी अगर आप आइडेंटिकल ट्विंस को रखेंगे तो 0.75 का एक डिफरेंस क्रिएट होगा आईक्यू में।
ये हेरिडिटी से संबंधित वाक्य है, ये हेरिडिटी के कारण है, एनवायरमेंट के कारण कोई चीज पूछी है, एनवायरमेंट को सपोर्ट करने वाला स्टेटमेंट, तो हम कह सकते हैं एनवायरमेंट को ये सपोर्ट करेगा कि यदि लंबे समय तक स्टडी किया जाए तो ये पाया गया है कि आईक्यू धीरे धीरे इंक्रीज होता है जनरेशन बाय जनरेशन या डेकेड्स बाय डेकेड्स। इसको फ्लीन इफेक्ट कहते हैं, फ्लीन फ्लाइन जो आप कहना चाहें, फ्लीन इफेक्ट कहते हैं कि टाइम के साथ रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं और रिसोर्सेज के साथ बुद्धिमत्ता बढ़ रही है लोगों की। 2 साल का बच्चा आजकल फोन चलाता है खूब मजे से, ठीक। तो कह सकते हैं कि आईक्यू जो स्कोर्स हैं वो 10-10 साल में, 20-20 साल में जब भी सर्वे होता है देखने को मिलते हैं कि एक जनरेशन पहली जनरेशन से आगे जा रही है, ज्यादा स्मार्ट है, ठीक। तो फ्लीन इफेक्ट कहेंगे इसको, ये एनवायरमेंट का इफेक्ट है, ये पर्यावरण अच्छा मिल रहा है उनको इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। आपने कहते सुना होगा अपनी पहली जनरेशन को कि हमें तुम्हारे जितनी फैसिलिटीज मिली होती तो हम तो पता नहीं क्या कर देते, है ना, चांद पे घर बना लेते। तो ये फ्लीन इफेक्ट है कि हर 10 साल में अगर आप सर्वे करेंगे तो देखने को मिलेगा कि आईक्यू स्कोर में बढ़ावा है। जी अनुराग, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसमें बहुत सारी बातें कही हैं, कई लोगों को कल कंफ्यूजन था क्वेश्चंस में। अब मल्टीपल इंटेलिजेंस को या तो हम कल करेंगे, नहीं तो मंडे से कंटिन्यू करेंगे, तब इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बात कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑल्टरनेटिव नहीं समझी मैं, कौन सा क्वेश्चन था यार ऑल्टरनेटिव वाला, मैंने सही बताया जो भी बताया ऑल्टरनेटिव, क्योंकि कल भी कराया था तो इसलिए मुझे याद है, बट वो वर्ड मुझे मतलब क्वेश्चन कौन से नंबर का, नंबर बताना एक बार क्वेश्चन का। ये कल करेंगे, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे और इनके क्रिटिक को भी समझेंगे, कई लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही थी रिसर्च और एम्पेरिकल एविडेंस में, वो भी मैंने प्रॉपर निकाल लिए हैं, आपको थियोरी ढंग से समझाएंगे। ये वाला एक क्वेश्चन था, इसको भी हम मल्टीपल इंटेलिजेंस के साथ ही करेंगे, ठीक है। ये ठीक बताया था वैसे, बस इसको एक्सप्लेन मैं एक बार कर दूंगी मंडे को। आईक्यू की बात करें यदि, तो ये मैंने आपको बताई दिया इसका, बोथ ऑफ देम विल स्कोर इक्वली। ऐसा नहीं है कि सोशियो इकोनॉमिक जो इफेक्ट है उसका आईक्यू पर प्रभाव नहीं पड़ता। आप एनसीबीआई की रिसर्च और दुनिया भर की रिसर्च आपको मिल जाएंगी जिन्होंने कहा है कि अगर जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसका आईक्यू पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते डी ऑप्शन। और आज का सेशन फिर 1 घंटे का ही रखते हैं, वैसे तो ये बड़ा होने वाला था, बट कई लोगों को सोना भी होगा, कई लोगों को इतना 1 घंटे पढ़ के बिल्कुल दिमाग उनका ठप हो जाता है, ऊपर से इसमें फैक्ट्स इतने सारे थे, इंटेलिजेंस का टॉपिक है क्योंकि फैक्ट्स काफी हैं। दोबारा देखिएगा ये वीडियो, बेल कर्व बना लीजिएगा जिनकी ज्यादा इच्छा हो पढ़ने की, जिनको डर लग रहा हो, जिन्होंने अभी पढ़ाई शुरू की हो वो बेल कर्व को छोड़ सकते हैं, बाद में पढ़ सकते हैं, डिटेल में कभी किसी और बैच में बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही देंगे। कोई नया क्वेश्चन एज सच था नहीं, 1-2 क्वेश्चन थे नए, तो पीडीएफ शेयर करने का कोई पॉइंट नहीं है, नोट्स खुद बना ही लेंगे आप, क्योंकि नॉर्मल फैक्ट्स थे, ठीक। अब बता दीजिए किसी को कोई समस्या हो, परेशानी हो, तो यार एक थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता है, 7,000 लोग देख रहे हैं और सब 70 तरह के कमेंट कर रहे हैं। अगर बिल्कुल कमेंट छोड़ दूं तो पता चलेगा इंटरनेट गायब हो गया बीच में और मैं अटकी पड़ी हूं और मैं खुद से बात कर रही हूं, है ना, क्योंकि अभी टीम मेंबर किसी को नहीं बिठाया हुआ, अकेले चलती हैं चीजें। और अगर कमेंट्स देखूं तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन तो आता ही है, और ये टॉपिक में ही बड़ी बात है क्योंकि टॉपिक का एक फ्लो बनता है, आप क्लास में एक फ्लो के साथ जाते हैं, वो थोड़ा सा बीच में ब्रेक होता है जब इतने सारे हम लोग होते हैं, तो खैर दैट्स ओके, रिकॉर्डेड सेशंस पड़े हुए हैं वो देख लेना। हिंदी में बुक अगले साल, बुक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा जुगाड़ किया जाएगा, टेंशन ना लो, बुक से कहीं ज्यादा कुछ बेहतर चीज देखने को मिलेगी, वैसे आएगी बुक अगले साल आएगी, स्ट्रेटजी पे वीडियो बना दूंगी एक, अच्छा शुभांगी बना लिया नोट्स, दैट इज वेरी गुड, ग्रेट। बल्कि ईवीएस का मैराथन तो चलेंगे यार, बहुत कुछ प्लान्ड है, टेंशन ना लो, थोड़ी तबीयत भी सुधर जाए। कर देंगे पीडीएफ शेयर, और बताओ क्यों दुखी होते हो, एग्जैक्टली शुभांगिनी नोट्स बना लिए, चलिए ग्रेट, ऊपर से गर्मी लग रही है, इतने कपड़े पहन लिए मैंने आज, चलो बाय बाय, कल मिलते हैं, और कल तो बातें करेंगे, परसों से फिर पढ़ाई करेंगे। हाँ सृष्टि पर इस बार ऑटो में ही घूमेंगे नहीं मैं तो मजाक कर रही थी, लाइफ से भी सीख लेते हैं हम, चलो फिर इतना ही खत्म करते हैं यार, गुड नाइट, कल मिलते हैं, है ना। मल्टीपल इंटेलिजेंस को छोड़ दिया मैंने अभी के लिए ताकि फ्रेश माइंड से समझेंगे मंडे को, आज मैं अभी थोड़ी सी थकी हुई हूँ, बाय बाय।